हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। मैं हूं वकार चौधरी और लेके आया हूं आपके लिए ऑफरोडिंग पार्ट 4, जिसका था आप सभी को इंतजार। तो अब जहां हम जा रहे हैं वो जगह है खास ऑफरोडिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यार वीडियो लेट हो रही है, तो इस बार कुछ दमदार आएगा, मज़ेदार आएगा, तो वही करने का कुछ ट्राई किया है। आप सभी को पसंद आए तो कमेंट करना। बाकी वहाँ पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे सभी मैंने एक एक करके क्लियर किए, चाहे वो डिफ़िकल्ट थे या फिर ईजी। ठीक है गाइस, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए वीडियो को। हेलो गाइस, तो मैं आ गया हूँ अब ऑफरोडिंग जोन, जिसमें आपको दिखाने वाला हूँ सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करके। और ये ऑब्स्टिकल 1, ठीक है, ये काफ़ी इजी था, लेकिन ये सोचा हुआ था कि यार सभी करने हैं, ईजी हो या फिर डिफ़िकल्ट, तो सभी किए हैं और आप इन्जॉय करो वीडियो। और गाइज ये है ऑब्स्टिकल 2, तो ये भी कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन हाँ आप अगर गाड़ी के अंदर होते तो आपको फील होता कि हाँ भाई थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन हाँ देखने में नहीं लग रहा है, कैमरा में वो चीज़ आ नहीं पाती जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ ये बात, तो मतलब कैमरा में वो चीज़ दिख नहीं पाती है कि हाँ एंगल क्या है, लेकिन हाँ ये है कि भाई अंदर बैठने के बाद पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। सो गाइज ये है हमारा 3rd ऑब्स्टिकल, जिसमें आप देख सकते हैं ये काफ़ी हार्ड था, लेकिन ये देखो मज़ा आया ये सब करके भी ना, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा ऑफ रोडिंग जोन का। ये देखो काफ़ी मज़ेदार रहा, ये देखो यार गाड़ी कैमरा में वो चीज़ लग नहीं थी, लेकिन अंदर गाड़ी में बैठ के ऐसा लग रहा था यार कहाँ चढ़ गया मैं, काफ़ी हाइट थी। ठीक है, अभी नीचे गाड़ी उतरेगी ना तब देखना। ये देखो इस तरफ, ये देखो काफ़ी हाइट थी गाइस, ये देखो। और गाइस ये है ऑब्स्टिकल 4, ठीक है, तो देखो ये देखो इसमें डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम जो है गाड़ी के अंदर वो देखिए। बाकी ये ना मैं आगे जो बाकी ऑब्स्टिकल हैं उसमें भी दिखाया गया है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कैसे लॉक हो जाता है टायर, ये देखो स्पिन कर रहा है, ये देखो लॉक होने वाला है, ये हो गया लॉक, ये देखो गाड़ी आगे बढ़ गई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये देखो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत मज़ा आया यार अंदर बैठ के इसमें, ये देखो ऐसा लग रहा था यार क्या गड्ढे में गिर गई गाड़ी, लेकिन काफ़ी मज़ा आया गाइस। जिसके भी पास मतलब ऑफ रोडिंग व्हीकल है या फिर ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ पर ऑफ रोडिंग जोन में व्हीकल्स होते हैं उनके पास अपने, तो वहाँ जाकर इंजॉय कर सकते हैं आप सभी भी। ये देखो ये ओके, सो ये हो गया है ऑब्स्टिकल हमारा क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्स्टिकल की तरफ। ठीक है गाइस, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी यहाँ से नीचे उतरेगी, ठीक है, और ये ना एकदम नीचे जाएगी, ये देखो, ये देखो। तो यार ये है ना यू शेप में बना हुआ है, और यू टर्न लेके नीचे आके, अब ये नीचे आ गई गाड़ी, यहाँ से सीधा जाना है और यू टर्न लेके आना है, ठीक है, और वहाँ था स्पेस बहुत कम, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, लेकिन भाई सोचा हुआ था कि भाई करना है, सभी करना है और ढंग से करना है, ये नहीं कि जल्दी में या फिर वैसे, एकदम सुकून से किया। और एक एक चीज़ है ना शूट की है कि भाई आप सभी तक पहुंच सके कि हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो एंजॉय करो वीडियो। ये देखो 2-3 बार ये ना बैक करना पड़ गया था, ठीक है, बैक करने के बाद फिर आई ये, ठीक है, एक बारी में तो मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ से यू टर्न ले पाएगा, क्योंकि यार स्पेस बहुत कम था और अपनी गाड़ी को भी सेफ रखना है, तो यार मैंने तो 2-3 बारी मैंने बैक की और फिर उसके बाद में मैंने इसको यू टर्न लिया और फिर ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जैसे कि आप अभी देखेंगे आगे। ये देखो ये होने वाला है कंप्लीट, ये देखो, ये देखो, तो ऐसा कुछ था। तो उसके बाद यार मज़ा आया ये करने के बाद कि हाँ भाई लगा के कुछ किया है आज, लेकिन ये कि यार अपना जो देसी ऑफ रोडिंग होती है ना उसका मज़ा अलग ही है, ये तो यार बना हुआ है तो प्रोफेशनल हो गया ये तो थोड़ा, लेकिन अपना जो खेतों में और वो करते हैं रोड पे चढ़ाना इधर उधर उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन ये भी यहाँ मज़ेदार था और काफ़ी मज़ा आया इसमें भी। ये हो गया डन, अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्स्टिकल की तरफ। तो यार अब बात करते हैं इस जगह की, यहाँ पर ना गाड़ी डालने से पहले मैं सोच रहा था, क्योंकि यार लड़का बोल रहा था कि भाई यहाँ पर आप गाड़ी उतारोगे तो नंबर प्लेट निकलने का खतरा है और ये वो, मैंने कहा नहीं भाई अब यहाँ पर आए हैं तो सब करके ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार कुछ छोड़ के चले जाएंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। लेकिन फिर मैंने ये किया कि यार मैंने स्पीड बहुत ही नॉर्मल रखी कि यार पानी में उतारी गाड़ी और आराम आराम से लेके गया,
तो कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। 4x4 हाई लगाया था मैंने गियर और उसके बाद आराम से सब कुछ हो गया, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और ये देखो स्लोमो, एंजॉय करो वीडियो। और यार गाइस कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बस आप कमेंट करके बताते रहो और वीडियो देखते रहो बस। तो अब बात करते हैं इस ऑब्स्टिकल की। यार गाड़ी में दिया हुआ है डिफरेंशियल लॉकिंग सिस्टम रियर व्हील्स में, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर है गाइस। ये देखो टायर स्पिन कर रहा है, ऑटो लॉक हो जाएगा ये टायर, ये देखो हो गया। और दूसरे टायर जो ज़मीन पर टिका हुआ है उसमें उसकी पावर चली जाती है, तो काफ़ी कमाल का फीचर है। और यार बहुत ही मज़ा आया मुझे ये ऑफ रोडिंग जोन में जाकर, बहुत से ऐसे फीचर्स थे जो मुझे नहीं पता थे और वो वहाँ जाकर पता चले, तो यार काफ़ी मज़ा आया। और गाइस जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये देखो अब ये गाड़ी इस ऑब्स्टिकल को जो क्लियर करेगी, तो यार इसके है ना एक टायर बिल्कुल ऊपर एक टायर बिल्कुल नीचे, तो ये है इसके इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का कमाल, जो कि इसको ऑफ रोडिंग के लायक बनाते हैं और काफ़ी बढ़िया। देखो टायर कितना अंदर चला गया, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। हेलो ओके, तो अब बात करते हैं इस ऑब्स्टिकल की। ये ऑब्स्टिकल यार काफ़ी मज़ेदार रहा और यार इसको करने में काफ़ी मज़ा आया, मतलब ये देखो। लेकिन यार ये था कि आगे लड़का खड़ा हुआ था, वो पूरा ढंग से गाइड कर रहा था, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो भाई थोड़ा सा भी इधर उधर और गाड़ी गई नीचे, ठीक है। गाड़ी को भी नुकसान और अंदर जो बैठे उनको भी थोड़ा बहुत नुकसान। तो लेकिन यार काफ़ी मज़ेदार रहा, काफ़ी मज़ा आया ये करके। सो गाइस ये करने के बाद ना बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर किए हैं मैंने, लेकिन वो मैं दिखाऊँगा आपको ऑफ रोडिंग जोन पार्ट 2 में, जो आएगा बहुत ही जल्दी। और यार गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब करो मत करो, लाइक करो मत करो, लेकिन यार कमेंट करके बता देना, ठीक है, कि कैसी लगी वीडियो। ओके गाइस, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।